Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास टेक्नो का स्पार्क 10 प्रो है और आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हो तो इस वीडियो में ना बताएं इस फोन के 7 अलग अलग तरीके जिनका यूज करके अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट आप बना सकते हो। 3 फिंगर से डाउन करोगे तो भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। इसके अलावा आप अपनी एरिया को सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट बना सकते हो, जैसे केवल आपको इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसको बना सकते हो। जिसके लिए क्या करना है, आपका जो कंट्रोल पैनल है इस तरह इसको आप इस तरह से ओपन कीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट का फीचर देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जो बीच वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे अपनी एरिया को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, तो किस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट बन जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप इसको सेव करा सकते हो। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट आपका ये सेव हो जाएगा एंड यहाँ पे आप अपनी एरिया के हिसाब से गोल टाइप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल आपको वही ऑप्शन पर जाना है और जाने के बाद सिंपल स्क्रीनशॉट पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ क्लिक करने के बाद अपने एरिया को यहाँ सेलेक्ट कीजिए। जिस टाइप का आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट चाहिए जिस एरिया का, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और इस आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। तो इस तरह से गोल टाइप स्क्रीनशॉट सेलेक्ट हो जाता है एंड यहाँ पे आप अपने एरिया के हिसाब से अपनी स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके बना सकते हो। सिंपल कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, एस कैप्चर पर जाइए एंड स्क्रीनशॉट पर जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको इस फीचर के लिए सेलेक्ट करके रखना होगा। आप एरिया को अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट को सेव कर पाओगे यहाँ क्लिक करके। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करते हैं तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। अगर 3 फिंगर से आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो उसको भी ऑन कर सकते हैं। जिसके लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करना है, फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे माइक्रो इंटेलिजेंस, यहाँ क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, यहाँ क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको ये फीचर ऑन कर लेने होंगे। अब आप 3 फिंगर से डाउन करके भी इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाओगे एंड यहाँ पे आपको इस फोन में स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसको आप ओपन कराएंगे कुछ इस तरह से स्मार्ट पैनल को और यहाँ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके भी डायरेक्टली स्क्रीनशॉट आप बना सकते हो। अगर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में आपको तो आप उसको भी ले पाओगे। जिसके लिए आप पहले एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए, इस आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ये स्क्रॉल आपका अपने हिसाब से सेलेक्ट करके अब हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली होता है, आप अपने हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करा के डन कर दीजिए एंड या इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर पाओगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप स्क्रीनशॉट अलग अलग हिसाब से बना सकते हो। आशा करती हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो चला और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।